वेलकम बैक इस वीडियो में हम क्लास इलेवेंथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दैट इज ओ सी एम का चैप्टर फाइव फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इस पर्टिकुलर चैप्टर के डिस्टिंग्विज बिटवीन के क्वेश्चन को स्टडी करेंगे सो दो डिस्टिंग्विज बिटवीन हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है इस चैप्टर का जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो में हम रिमेनिंग दो डिस्टिंग्विज बिटवीन जो है वो स्टडी करेंगे इस चैप्टर के सो लेट स्टार्ट विथ थर्ड डिस्टिंग्विज बिटवीन दैट इज इजरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज

सो so, गवर्नमेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है एंड वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सेक्रेटरी कारपोरेशन को मैनेज करते हैं एज गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर्स गवर्नमेंट कंपनी को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेज करते हैं बट उनका जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स मिलकर करते हैं और राइट नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल द सेक्रेटरी कारपोरेशन इज कंट्रोल्ड बाई द एक्ट और द स्टेच्यू ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर सेटेटरी कॉरपोरेशन को कंट्रोल कौन करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के अकॉर्डिंग सेटेटरी कॉर्पोरेशन कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट कंपनीज आर कंट्रोल बाय गेंट और शेयर होल्डर्स बाय फॉलोइंग दी प्रोविजन ऑफ दो गेंट कंपनीज को गवर्नमेंट so, या तो फिर शेयर होल्डर्स कंट्रोल करते हैं बट अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दी कंपनी राइट नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिशमेंट

उसके अकॉर्डिंग फॉर्म एंड रजिस्टर हुई है और राइट नेक्स्ट पॉइंट इज बोर पावर्स स्ट्यूटरी कारपोरेशन कैन बोरो फंड फ्रॉम द पब्लिक बाय वे ऑफ बॉन्ड्स सो स्टेटरी कॉरपोरेशन को अगर पैसों की नीड होगी तो वो पैसे कहाँ से बोरो कर सकते हैं तो वो पब्लिक से पैसे बोरो कर सकते हैं बट बाय द वे ऑफ बॉन्ड्स वहीं गवर्नमेंट कंपनीज को अगर पैसे बोरो करने होंगे तो वो कैसे बोरो करेंगी गवर्नमेंट कंपनीज कैन बोरो by बाय द वे ऑफ or और shares to टू public. गवर्नमेंट कंपनीज भी फंड्स बोरो कर सकती हैं बट बाय द वे ऑफ डेप एंड दे कैन इशू शेयर टू दब्लिक पब्लिक को वो शेयर इशू करके पैसे बोरो कर सकती हैं, पैसे कलेक्ट कर सकती हैं। और राइट सो ये था सेटेटरी कारपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज का डिस्टिंग्विज बिटवीन टोटल सिक्स पॉइंट्स थे आई होप आपको जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा नेक्स्ट डिस्टिंग्विज बिटवीन है हमारा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज सो लेट सी वॉट इज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज इसके बीच का डिस्टिंग्विज बिटवीन स्टडी कर लेते हैं पॉइंट्स गिवन है लेट सी वेरी फर्स्ट इज मीनिंग मीनिंग पहले meaning समझ लेते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड मैनेज कंट्रोल फाइनेंस एंड ऑपरेटेड बाई गवर्नमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल फाइनेंस और ऑपरेशन गवर्नमेंट के हाथों में होता है गवर्नमेंट कंपनी right. क्या है एनी कंपनी वेर मिनिमम फिफ्टी वन परसेंट ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली और इंडिविजुअली इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी सो कोई भी कंपनी जिसका मिनिमम फिफ्टी वन परसेंट पेडअप कैपिटल जो है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है जॉइंटली या इंडिविजुअली वो होती है गवर्नमेंट कंपनी और राइट नेक्स्ट इज कैपिटल द रिक्वायर्ड फंड कम्स फ्रॉम एनुअल बजट अप्रोप्रिएशन ऑफ दी गवर्नमेंट सो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को अगर पैसे चाहिए होते हैं तो कहाँ से मिलते हैं सो so, जितना भी पैसा रिक्वायर्ड होता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को वो गवर्नमेंट के एनुअल बजट से मिलता है और राइट बस गवर्नमेंट कंपनी को पैसे कहाँ से मिलते हैं द कैपिटल ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड बाई जनरल पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो गवर्नमेंट कंपनी का जो कैपिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है इवन जो गवर्नमेंट कंपनी है वो जनरल पब्लिक से भी कैपिटल पैसे कलेक्ट कर सकती है एंड इवन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और राइट नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज मैनेज बाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री सो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को कौन मैनेज करता है जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं संभालते हैं वहीं गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो दी गवर्मेंट कंपनी इज मैनेज बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर्स जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मैनेज करते हैं जो कि गवर्नमेंट और शेयर होल्डर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और राइट नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंट्रोल बाय कंसर्न मिनिस्ट्री सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कंसर्न मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करती है और दैट वेरज गवर्नमेंट कंपनीज़ आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स बाय फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट सो गवर्नमेंट कंपनीज को कौन कंट्रोल करता है कंपनीज एक्ट के अंडर जो प्रोविजन है जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करके गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज को कंट्रोल करते हैं और राइट नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोनॉमी द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव एनी ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग सो अगर हम ऑटोनॉमी की बात करें दैट इज इंडिपेंडेंस तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई भी ऑटोनॉमी नहीं होती डिसीजन लेने के लिए दैट इज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट लेती हैं वेर एज गवर्नमेंट कंपनीज़ इंजॉय ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं और नेक्स्ट इज लीगल स्टेटस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैज नो सपरेट स्टेट इज डिस्टिंग फ्रॉम द गवर्मेंट सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अपना कोई लीगल स्टेटस नहीं है अपनी कोई पहचान नहीं है आइडेंटिटी नहीं है डिफरेंट फ्राम द गवर्नमेंट दट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट आर वन एंड द सेम वेर इज द गवर्नमेंट कंपनी हैज सपरेट स्टेट हज डिस्टिंट फ्रॉम द गवर्मेंट बट गर्मेंट कंपनी का अपना एक स्टेटस है अपनी एक पहचान है गवर्नमेंट से अलग उनकी एक आइडेंटिटी है और राइट नेक्स्ट इज इस्टेबलिशमेंट द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज फॉर्म अंडर कंसर्न मिनिस्ट्री अंडरटेकिंग जो है वो कंसर्न मिनिस्ट्री के अंडर फॉर्म ही हुई है बनाई गई है वेरस गवर्नमेंट कंपनीज ऑफ फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन वही गवर्नमेंट कंपनीज जो है वह कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के अंडर जो प्रोविजन है जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म एंड रजिस्टर हुई है राइट नेक्स्ट पॉइंट इज बोरो पावर्स द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन नॉट बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो है वो पब्लिक से पैसे बोरो नहीं कर सकते वेरज गवर्नमेंट कंपनी कैन बो फ्स बाय वे ऑफ डेप और इशूइंग शेयर्स टू दी पब्लिक बट गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं अगर उन्हें पैसों की नीड है तो वो फंडस जो हैं वो पब्लिक से बो कर सकते हैं बाय वे ऑफ डेप या तो फिर शेयर इशू करके भी वो क्या कर सकते हैं फंडस बोरो कर सकते हैं और राइट लास्ट पॉइंट इज स्टाफ द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नमेंट सर्वेंट एंड द सर्विसज आर गवर्न बाई सिविल सर्विस रूल्स जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ है उन्हें हम गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं और इनकी जितनी भी सर्विसेज है वो अकॉर्डिंग टू सिविल सर्विस रूल्स जो है वो गवर्न की जाती हैं वहीं गवर्नमेंट कंपनीज की जो स्टाफ है

सो आई होप आपको जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा सो so, यहाँ पे हमारा चैप्टर फाइव फॉर्म्स ऑफ और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे डिस्टिंगविज बिटवीन जो है वो हमारा कवर अप हो चुका है आई होप आपको इस वीडियो का जो टॉपिक था दोनों वो समझ में आया होगा अगर आपको इस वीडियो का जो टॉपिक है वो समझ में आया वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर अर टाइम